हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्चुअली में अनबॉक्सिंग एप्पल के एक धमाकेदार और बहुत ही बेहतरीन और एक खतरनाक प्रोडक्ट को, जिसका नाम है मैक स्टूडियो। जी हाँ दोस्तों, मैक स्टूडियो अभी रिसेंटली मार्च मंथ में एप्पल ने लॉन्च किया है। मैक स्टूडियो 18 मार्च को एप्पल ने लॉन्च किया था मैक स्टूडियो। और मैक स्टूडियो डेस्कटॉप सॉल्यूशन है दोस्तों। अगर आप एडिटिंग करते हैं, अगर आप प्रोफेशनल एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ये कंप्यूटर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही तगड़ा स्पेसिफिकेशन के साथ ये कंप्यूटर दोस्तों मिलता है। फिलहाल इस प्रोडक्ट की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है इंडिया में और बहुत कम लोग ही इसे खरीद पाए हैं। वैसे मैं आपको प्राइसिंग की बात करूँ तो 1,90,000 रुपये इसकी MRP आती है। फिलहाल इस पर कोई भी डिस्काउंट या फिर कोई भी ऑफर्स नहीं चल रहा है। स्टोर्स में फिलहाल मैक स्टूडियो अवेलेबल नहीं है, तो इसे आपके पास एक लौता ऑप्शन बचता है कि आप इसे ऑनलाइन ही परचेज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और करते हैं फटाफट मैक स्टूडियो की अनबॉक्सिंग, और आपको मैक स्टूडियो के बारे में और भी कुछ जानकारी दूंगा अनबॉक्सिंग करते करते। तो आइए चलते हैं अनबॉक्सिंग प्रोसेस की तरफ। सभी प्रोडक्ट्स की तरह दोस्तों ये भी एक ब्राउन कलर की पैकेजिंग में आपको मिलता है। और एप्पल दोस्तों एक लौता ऐसा प्रोडक्ट, मुझे ऐसा लगता है, जिसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए आपको किसी भी नाइफ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले दोस्तों सामने है आपके पास मैक स्टूडियो का वाइट कलर का बॉक्स। काफ़ी ज़्यादा डिसेंट और एलिगेंट लुक मिलता है दोस्तों। एप्पल का लोगो आपको मिल जाता है इस तरफ, और इस तरफ भी एप्पल का लोगो है। इस तरफ मैक स्टूडियो का रियर फेस जिसे आप कहते हैं वो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और अब बारी है दोस्तों हमारे मैक स्टूडियो को बाहर निकालने की। तो फाइनली हमने कर दिया है इसे अनबॉक्स, और अब दोस्तों फटाफट आपको दिखाते हैं एप्पल का लेटेस्ट और अपडेटेड और सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट जो है वो है मैक स्टूडियो। व्हाइट कलर की पैकेजिंग दोस्तों मिलता है, बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट पैकिंग है दोस्तों इसका, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बॉक्स का जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। ऊपर की तरफ आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, इसमें कुछ है नहीं, कुछ एप्पल के स्टिकर्स होंगे, कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा, ऐसा और कुछ भी नहीं है। एसेसरीज के नाम पर दोस्तों कुछ भी नहीं मिलता है इसमें, सिवाय एक पावर अडेप्टर के। ओपन करते हैं इसे और देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का एप्पल स्टिकर, प्रीमियम प्रोडक्ट है दोस्तों, तो ऐप ऐसी बात है ब्लैक कलर के स्टिकर्स तो मिलेंगे ही आपको। मैक स्टूडियो के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है, इसके अलावा एक यूज़र मैनुअल और कुछ भी नहीं आता है इसमें। अब बारी है दोस्तों हमारे बॉक्स को ओपन करके हमारे भी प्रोडक्ट को बाहर निकालने की। तो फटाफट मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ, उसके बाद हम आके मैक स्टूडियो के बारे में बात करेंगे। तो ये प्रोडक्ट दोस्तों बाहर आ गया है, इसके साथ ही आपको एक पावर कॉर्ड मिल जाएगा। काफ़ी हाई क्वालिटी का पावर केबल है, 3-pin प्लग के साथ आता है दोस्तों, नॉर्मल प्लग में नहीं लगेगा। इसके लिए आपको एक बड़ा प्लग पॉइंट चाहिए होगा। काफ़ी मोटा और काफ़ी हाई क्वालिटी का केबल है दोस्तों, और ऑब्वियस सी बात है एप्पल इसी बात के तो चार्ज करता है हमें। अब बॉक्स को रैप अप करते हैं और सीधे प्रोडक्ट के पास आपको ले जाते हैं और बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो ये दोस्तों आपके सामने मैक स्टूडियो, फटाफट इसे अनरैप करते हैं। अनरैपिंग का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इजी है, और एप्पल काफ़ी टाइम से रिसाइकलेबल आइटम्स यूज़ करता है अपने प्रोडक्ट्स को पैक करने के लिए। में आपको मिल जाता है M1 मैक्स चिप, और जो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसमें आपको मिल जाता है M1 अल्ट्रा चिप। पोर्ट्स की बात करें दोस्तों, काफ़ी सारे पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आप राइट साइड से देखेंगे आपको पावर बटन मिल जाएगा, 3.5 mm का हेडफोन जैक, HDMI पोर्ट, दो USB 3.0 के पोर्ट्स, पावर पोर्ट, ईथरनेट पोर्ट्स जो कि 10 Gbps तक का स्पीड सपोर्ट करेगा, 4 थंडरबोल्ट के पोर्ट्स वो भी टाइप सी आपको देखने को मिलता है दोस्तों रियर साइड में। साथ ही यहाँ पे
एयर फ्लो का भी काफ़ी अच्छा सिस्टम इन लोगों ने लगाया है, जिससे कि ये सिस्टम आपका गर्म नहीं होगा। और मैंने जो परचेस किया है वो है दोस्तों M1 Max चिप के साथ आता है, ये बेस वेरिएंट है जो कि 1,90,000 में आपको मिलता है। इसे आप ऑब्वियसली बात है अपग्रेड कर सकते हैं। और इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करें दोस्तों, 10 कोर सीपीयू, 24 कोर जीपीयू और 16 कोर्स का न्यूरल इंजन आपको देखने को मिलेगा, 32 GB की यूनिफाइड मेमोरी या फिर आप जिसे रैम कह सकते हैं 32 GB की रैम आपको मिलेगी, बेसिक आपको 512 GB का SSD स्टोरेज आपको देखने को मिलता है। अब इसे फटाफट कर लेते हैं सेटअप, हमने मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर दिया और जैसे ही टर्न ऑन करते हैं देखिए आपको अलग अलग काफ़ी सारे लैंग्वेज में नमस्ते वेलकम वगैरह वगैरह आपको यहाँ पे लिखा हुआ आता है, जैसे कि हेलो होला और काफ़ी सारी अलग अलग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। जो भी लैंग्वेज आपको समझ में आता है उस लैंग्वेज को आप चूज कर सकते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस में। आप दोस्तों फटाफट मैं इसे कर लेता हूँ सेटअप, लैंग्वेज सेट कर दिया है हमने, लैंग्वेज हम रखेंगे इंग्लिश, करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों जब तक हमारा सेटअप का प्रोसेस चलता रहता है तब तक मैं आपको Mac Studio के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। M1 Max चिप के साथ दोस्तों ये Mac Studio हमने परचेस किया है, इसके साथ ही आपको एक एप्पल का ही कीबोर्ड और माउस भी परचेस करना पड़ेगा और भी काफ़ी सारे थर्ड पार्टी कीबोर्ड और माउस अवेलेबल हैं मार्केट में जो कि आई गेस सपोर्ट कर सकते हैं इसमें, बट आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं था इसलिए मैंने एप्पल का ही कीबोर्ड और एप्पल का मैजिक माउस ऑर्डर कर दिया था। इसके साथ इसका जो इससे ऊपर वाला जो दोस्तों वेरियंट है उसमें आपको M1 अल्ट्रा चिप देखने को मिलेगा, जिसमें कि 20 कोर सीपीयू, 48 कोर्स का सीपीयू और 32 कोर्स का न्यूरल इंजन आपको देखने को मिल जाएगा, 64 GB की यूनिफाइड मेमोरी, साथ ही 1 TB की SSD स्टोरेज आपको देखने को मिलेगा। एंड ऑब्वियसली बात है आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अप टू 8 TB तक आप स्टोरेज को एक्सपेंड कर सकते हैं, 128 GB की रैम आप एक्सपेंड कर सकते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं दोस्तों जिससे आप एक्सपेंड कर पाएंगे। और M1 अल्ट्रा चिप के साथ जो दोस्तों बेस मॉडल आता है उसका प्राइस है लगभग 3,90,000 रुपये, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और एक हाई एंड कंप्यूटर जिसे आप कहते हैं वो आपको देखने को मिलेगा। अब क्योंकि ये एप्पल है तो ऑब्वियसली बात है इसका चार्जेस ज़रूरत से ज़्यादा हमेशा होते हैं, बट ये परफॉर्मेंस भी वैसे ही डिलीवर करता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। सेटअप करते हैं, सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट इसका आ चुका है, macOS मॉनिटरी हमने इसमें इंस्टॉल कर दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं 32 GB का रैम इसमें आपको मिल जाता है, फिलहाल और कोई सॉफ्टवेयर अपडेट अवेलेबल नहीं है। हमने इसे कर दिया है पूरी तरीके से सेटअप, 4 थंडरबोल्ट्स के पोर्ट आपको मिलते हैं दोस्तों, जिसमें कि आप 4 अलग अलग डिस्प्लेज अटैच कर सकते हैं अपने Mac Studio के साथ, साथ ही एक HDMI का पोर्ट मिल जाता है, मतलब कि आप टोटल 5 डिस्प्लेज एक साथ अटैच कर सकते हैं इसमें। और ये दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और एकदम धमाकेदार टॉप ऑफ द लाइन खतरनाक जिसे आप कहते हैं उस टाइप का कंप्यूटर है। आपको एक बूट अप टाइम भी आपको दिखा देता हूँ कि मैं इसे अगर रीस्टार्ट करता हूँ तो ये कितना टाइम लेता है रीस्टार्ट करने में, ऑल दो ये फर्स्ट टाइम मैं इसे रीस्टार्ट करने वाला हूँ। खैर रीस्टार्ट तो फिलहाल नहीं कर रहे हैं, तो ऐप स्टोर में चलते हैं और बेसिक जो भी एप्लीकेशन है वो सारे एप्लीकेशन आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा 2 नॉर्मल सी टाइप के पोर्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप चार्जिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। SD कार्ड रीडर आपको देखने को मिल जाता है इसमें, जो कि फोटोग्राफर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। तो ये था दोस्तों एक छोटा सा बेसिक सा वीडियो Mac Studio की अनबॉक्सिंग से रिलेटेड। इसे मैं सेटअप करके कुछ दिन यूज़ करूँगा और लगभग 15 डेज या फिर 30 डेज के बाद आपको अपना एक रिव्यू बताऊँगा कि कितना ज़्यादा यूज़फुल है ये और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस ये डिलीवर कर सकता है। एप्पल की माने दोस्तों तो ये 8K फुटेज को भी इजीली एडिट कर सकता है, फिर चाहे आप प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हो या फिर आप फाइनल कट प्रो यूज़ कर रहे हो। फिलहाल मैं इसमें एडिटिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ प्रीमियर प्रो और कुछ दिन यूज़ करके इसको देखते हैं प्रीमियर प्रो में किस तरह का स्पीड आपको देखने को मिलता है। इससे पहले जो दोस्तों मैं सिस्टम यूज़ कर रहा था वो था हमारा i7 प्रोसेसर के साथ, उसमें भी 32 GB रैम मैंने इंस्टॉल करवाया था, तो उन दोनों का कंपैरिजन भी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा करके कि अगर ये 2,20,000 का ऑलमोस्ट ये सिस्टम पड़ा है मुझे तो i7 प्रोसेसर में प्रीमियर प्रो किस तरीके से चलता है, कितनी ज़्यादा परफॉर्मेंस और कितनी ज़्यादा स्पीड उसमें देखने को मिलता है और M1 Max चिप के साथ आपको कितनी ज़्यादा स्पीड और कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है,
जब हम प्रीमियर प्रो में एडिटिंग करते हैं या फिर लाइटरूम में फोटोज़ को एक्सपोर्ट करने की बात है या फिर जो भी बेसिक स्टफ है वो सारी चीज़ें मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में था दोस्तों इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।